करो, आपको क्या करना है, आप दो तरह के पर्सन के साथ बिजनेस में डील करते हो, होलसेलर एंड रिटेलर। होलसेलर वो जिन्हें आप बल्क में सामान सेल कर रहे हो, रिटेलर वो जिन्हें आप स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को सेल कर रहे हो। और इसी तरह से हम लूज प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। अगर हमें सेल्स करना है तो सेल्स तो हम किसी को भी कर सकते हैं, और सेल्स करने के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ पर्सन अवेलेबल होंगे। जैसे वर्क इन एजुकेशनल मोड के बाद हमें आना है बेसिकली फीचर्स में, एंड फीचर्स में आने के बाद इन्वेंटरी फीचर्स। बट इससे पहले एक कंपनी बना लेते हैं, बिकॉज इस कंपनी में ऑलरेडी बहुत वर्क हो चुका है। सो क्रिएट कंपनी, कंपनी है प्राइस लिस्ट से रिलेटेड, तो मैंने यहाँ पे प्राइस लिस्ट ही डाल दिया। ठीक है, कंपनी बनाई। कंपनी बनाने के बाद सबसे पहली वर्किंग करनी होती है कि प्राइस लिस्ट को इनेबल करेंगे, तो F11, F11 प्रेस करने के बाद F2 प्रेस करेंगे और प्राइस लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेल्स मैनेजमेंट, जिसे आप यस कर दोगे। ठीक है, ये स्टेप क्लियर होगा, कंट्रोल A प्रेस कर दीजिए। ओके सॉरी, यहाँ पे जब आप प्राइस लिस्ट को यस करोगे ना, तो यस करने के बाद एक एंटर कर देंगे। ये क्वेश्चन कर रहा है कि आपके पास किस तरह के कस्टमर्स आते हैं। तो मेरे पास होल सेलर्स हैं जो होल सेल कराते हैं। नेक्स्ट रिटेलर, सर मेरा वाला भी एक आज कहीं गिरा हुआ है, पता नहीं कहीं दिखे तो बताइएगा। सर्वर आपको मिल जाता है, सवेरे से गायब है। अच्छा, सो रिटेलर, रिटेलर के बाद कस्टमर। ठीक है, हमारे पास होलसेलर है, रिटेलर है एंड कस्टमर है। ठीक है, इंटर एंड कंट्रोल ए। नेक्स्ट कंट्रोल ए, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। तो बात करते हैं, और इसके बाद अगर आपको प्राइस लिस्ट पे काम करना है तो आपके पास नेसेसरी क्या है। अभी देखिए आपकी प्राइस लिस्ट शो नहीं कर रही, हम इससे जितने भी कर रहे हैं वर्किंग में नहीं आ रही। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमारे पास किसी भी तरह का स्टॉक आइटम है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्या बनाने पड़ेंगे, स्टॉक आइटम। अब स्टॉक आइटम में जैसे हमें बताया गया कि हमारे पास जो स्टॉक आइटम है उसमें मोमेंट जनरेशन 1 फोन है, और इसे मेजर करते हैं हम NOX पे। ठीक है, आपके लिए कंपलसरी क्या है कि आप सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का नेम दें, और प्रोडक्ट नेम के साथ में उस प्रोडक्ट की मेजरिंग क्वांटिटी भी प्रोवाइड करें कि आप उसे मेजरमेंट किसमें करते हैं, लाइक लीटर है, केजी है, नंबर्स है, डजन, मीटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो आपने NOS प्रोवाइड किया, देन एंटर एंड एक्सेप्ट। ओमिक जनरेशन 1 हो गया, ओमिक जनरेशन 4 NOS, इसी तरह से ओमिक जनरेशन 5। हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सिर्फ नाम लिखना है और एक यूनिट असाइन कर देनी है बस। जैसे ही आप ये काम कर लेंगे, आपके पास यहाँ पे प्राइस लिस्ट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं होलसेलर के लिए प्राइस लिस्ट बना। आप यहाँ पे जो भी डेट फिल करोगे, ये उस डेट के बाद का ही यहाँ पे डेटा फिल कराएगा। मतलब बिलिंग अगर 1 अप्रैल से हमने दी है, तो 1 अप्रैल से ये लिस्ट यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। 1 मई दूंगी तो 1 मई, 1 जून दूंगी तो 1 जून। ठीक है, एज पर बुक 1 जुलाई है, यानी कि 1st of July से हमें लिस्ट बनानी है, तो मैंने बुक के बेसिस पे 1st of July यहाँ पे इंसर्ट। अब ओमेन जनरेशन 1 का ऑफर मैंने बनाया कि 100 पीसेस आप परचेज करोगे तो आपको 5000 रुपीस पर पीस पे करना पड़ेगा, कोई डिस्काउंट नहीं। 100 से 200 में अगर आप परचेज करते हो तो ये प्राइस आपका 5000 रहेगा, लेकिन आपको टोटल बेसिस पे 1% का डिस्काउंट मिलेगा टोटल बिल पे। इसी टाइप से 200 से ऊपर की परचेजिंग होती है, लाइक 4500 तक, तो आपको 5% का डिस्काउंट।
ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा उमेद जनरेशन वन का बकेट हो गया। नेक्स्ट आप देखिए उमेद जनरेशन फोर का ऑफर प्राइस बना लें। उमेद जनरेशन फोर में 100 पीसेस अगर आप परचेज करते हो तो पर पीस 1000 रुपीज का है। पर पीस 10,000 रुपीज का है, 1% डिस्काउंट एंड 5% डिस्काउंट। यहाँ पे 1% डिस्काउंट। नेक्स्ट वन इज 5% डिस्काउंट। जो भी आपका डिस्काउंट पैटर्न है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसी तरह से वुमेन जनरेशन 5, वुमेन जनरेशन 5 में आपका है 100 and 15,000। ओके, ये हमारे पास हमारी प्राइस लिस्ट टाइप है। और ये आपको इस तरह से टाइपिंग करनी है, ठीक है, और स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका परचेसिंग। अब आप स्टॉक परचेज कर लो, सो अकाउंटिंग वाउचर परचेज। परचेज के लिए हम आएंगे परचेज में। हमने स्टॉक परचेज किया है, हमारी परचेजिंग हमने स्टॉक परचेज किया है डैफोडिल गैदर से। और सी अंडर किस किस आएगा, ये क्रेडिटर्स के, बिकॉज हमने परचेजिंग। अगेन और सी परचेज का लेजर अंडर परचेज कंट्रोल ए। स्टॉक आइटम में ओमेन जनरेशन 1 हमने लिया है, क्वांटिटी हमने ली है 900, प्राइस है आपका 4,500। ओमेन जनरेशन 4 देन 900, प्राइस है 1,500। ओमेन जनरेशन 5 900, प्राइस है 13,000, ठीक है। देन एंटर एंड एक्सेप्ट। जैसे ही आपने इसे एक्सेप्ट किया होगा आपको प्राइस लिस्ट में भी ये अपडेट हो गया। लाइक मैं अगर यहाँ पे प्राइस लिस्ट ओपन करूंगी ऑल आइटम्स होल सेलर का, तो यहाँ पे मुझे दोनों कॉस्ट दिखेगा, ठीक है। एक कॉस्ट है मेरी ओमेन, सो बेसिकली अगर हम कॉस्ट चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारी वो प्राइस है जो मैंने टाइपिंग की थी, यहाँ वो प्राइस है जो कॉस्ट है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चीजें क्लियर होंगी, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस स्टॉक आइटम बनाना है और ये टाइपिंग करनी है। नेक्स्ट, इन केस अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब आप क्या करिए, अब आप इस स्टॉक प्राइस को अपडेट कर लीजिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करिएगा, ठीक है। फिलहाल
आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे स्टॉक का अपडेशन कराना है। स्टॉक अपडेशन कैसे होगा, तो स्टॉक को अपडेट कराने के लिए आपको इन्वेंट्री इन्फो पे आना है, देन प्राइस लिस्ट पे जाना है। अब प्राइस लिस्ट पे जाके आपको ऑल्ट आर प्रेस कर देना है, ठीक है। प्राइस दो तरह से चेंज हो सकता है, पहले तो ये अगस्त से अप्लाई होगा, तो 1st of August हो गया हमारी डेट, एंड रिवाइज प्राइस लिस्ट आपकी डिक्रीज बाय अमाउंट, ठीक है ना। सो डिक्रीज बाय अमाउंट आपकी क्या हो जाएगी, रिवाइज प्राइस लिस्ट हो जाएगी। अब मैंने यहाँ से कहा कि यहाँ पे हम इंक्रीज बाई अमाउंट कर देते हैं 100 रुपीज से, मतलब जितने भी मनी है वो सारी मनी आपकी किससे इंक्रीज हो जाए, 100 रुपए से सारे रेट बढ़ जाए। आपने डिस्काउंट पे कोई भी वॉकिंग नहीं की है और अपडेट कर दिया अपनी प्राइस को, देखिए जितना पहले 5000 था 5100 हो गया है। पुरानी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, न्यू लिस्ट यहाँ पे दी गई है, और कॉस्ट प्राइस यहाँ से ऑटोमेटिकली। अब आप चाहो स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नाम कुछ नहीं, आप यहाँ पे जाओ टाइप करके वो मैनुअल तो आप कभी भी चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बहुत लंबी लिस्ट है तो आप मैनुअली सब में से नहीं टाइप करो, तो वो 100-200 एक साथ इंक्रीज कर देगा, ठीक है। ये प्राइस लिस्ट का काम करेगी 1 अगस्त के बाद। अब मैं आपको इसका इंपैक्ट दिखा देती हूँ कैसे ये इसका यूज करोगे आप। जब भी आप सेल कर रहे हो, लाइक मुझे एक बिलिंग करनी है सेल्स की, सो मैंने अकाउंटिंग वाउचर लिया, सेल्स दिया, और ये सेल्स हमें करनी है मानसन स्टोर की, इंटर और सी मानसन मैंगन स्टोर्स, और मैंगन स्टोर्स आने के बाद ये हमारे क्रेडिटर्स हो जाएंगे, तो सारे क्रेडिटर्स यहाँ पे लिस्ट आ रहा है कि लिस्ट में आप इसे किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं। इसको होलसेलर में रखा है, होलसेलर कंट्रोल एंड कंट्रोल भी लिस्ट कर लेते हैं, और तीन सेल्स अंडर ओमेन कंडीशन 1 सेल किया है हमने, क्वांटिटी हमने इनको दी है 123 पीसेस, अभी रेट बिल नहीं हुआ है क्योंकि इसका बैक डेट देखोगे अगर आप ध्यान से, तो यहाँ पे 1st अप्रैल की डेट मिल है, जबकि प्राइस मेरी किस दिन बनी थी, मेरा जो प्राइस बना है वो 1 जुलाई से बना है, जुलाई से पहले तो वो लिस्ट है ही नहीं। तो हम आते हैं और डेट चेंज करके इसे 2nd of July कर देते हैं। पार्टी नेम अगेन मैग्नम स्टोर्स, अगेन सेल्स का लेजर, और ओपन कंडीशन 1 क्वांटिटी 123, और जैसे ही मैंने ये एंटर किया इसमें ऑटोमेटिकली प्राइस को पे, ठीक है। ये डेट अगर चेंज हो जाती है, जैसे मैंने इसी डेट को चेंज करके आपका 2nd of October कर दिया, ठीक है, और अब इस प्राइस को अपडेट करा देते हैं। लाइक मैंने क्वांटिटी जैसे यहाँ पे अपडेट की, तो देखिए प्राइस भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है, और प्राइस हो गया है 5100। ठीक है ना, एंटर फिर एक्सेप्ट, ये हो गया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अभी आपको चीजें समझ में आई है। देखिए बिलिंग के लिए ये सीन हो जाएगा कि अब बिलिंग आप जिस डेट पे करोगे, अगर आपने बिलिंग की है अगस्त के बाद तो 5100 वाली प्राइस, अगस्त से पहले जुलाई के बाद तो आपको मिलेगा 5000 वाला प्राइस, और जुलाई से पहले है तो आपको प्राइस मैनुअली टाइप करना, ठीक है। तो ये वर्किंग होती है प्राइस लिस्ट की, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है।